हिंदू धर्म में न सिर्फ देवी देवताओं की भक्तिभाव से पूजा उपासना करने की परंपरा है, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और नदियों की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में नदियों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। इसी के चलते माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर खरगोन जिले के बड़वाह ने धूमधाम के साथ नर्मदा जयंती मनाई गई। इस दौरान मां नर्मदा की दुग्ध अभिषेक कर महाआरती भी की गई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सोमवार को खरगोन जिले के बड़वाह स्थित मां नर्मदा के घाट पर धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई गई। इस दौरान जहां नर्मदा नदी के दोनों घाटों पर आकर्षक सज्जा की गई, वहीं भक्तों ने माता के दर्शन कर दूध अभिषेक कर खुशहाली का आशीर्वाद लिया। माँ मेकल सेवा संस्था सहित भक्तों ने सैकड़ों लीटर दूध से माँ रेवा का दुग्ध अभिषेक किया। दोपहर 12 बजते ही माँ की 108 दीपों से महाआरती की गई। इस दौरान भजनों की धुन पर भक्त भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। पुष्प गुच्छों से सुशोभित पालकी में माता की प्रतिमा को विराजित तट का भ्रमण भी करवाया गया। तत्पश्चात मेकल सेवा संस्था द्वारा भी 50,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। कोविड के कारण इस बार नर्मदा जयंती सादगीपूर्ण मनाई गई और भंडारे का आयोजन नहीं किया गया और न ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। नर्मदा जयंती के हार्दिक बधाई हो, सब सुखी रहे, संसार सुखी रहे, ये माँ से प्रार्थना है। नर्मदा जयंती प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने अपने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार माँ का पूजन अभिषेक इत्यादि सब कर्म करा है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मिलके माँ भगवती नर्मदा जी से प्रार्थना करें कि ऐसी बीमारियां भविष्य में ना आवे और ना किसी प्रकार की हमारे को समस्या खड़ी हो। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, प्रदूषण से मैया को बचाओगे तो आगे भी आपको जो है अमृत मिलता रहेगा। आज हमने नर्मदा जयंती शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार मध्यान्ह काल में माँ भगवती का जन्म हुआ है और मध्यान्ह काल में आज नर्मदा जयंती का आयोजन हमने करा। कुछ विधान ऐसे भी आए लोगों के मत थपे हुए हैं जिनने 8 तारीख को दे दिया, जबकि वो सुबह 7 बजे ही समाप्त हो जाती है सप्तमी। माँ नर्मदा का जन्म उत्सव उसमें नहीं मनाते। क्षेत्रीय विधायक सचिन बिल्ला भी नर्मदा जयंती के इस भव्य आयोजन में पहुंचे, जहां महाआरती में शामिल होकर उन्होंने मां नर्मदा के भक्तों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। सभी हमारे सभी मां नर्मदा से जितने भी लोग, हजारों हजार लोग यहां पर आज आए हैं के हमारे तट पर, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नर्मदा जयंती की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नर्मदा के हम सब लोगों का इस अवसर पर ये दायित्व भी बनता है कि माँ के किनारे साफ हों, रेत यहाँ से नहीं निकले और खूब सारा प्रेम माँ का हम सब लोगों पर है। सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हो, इस भाव को लेकर पूरा सब लोगों को आगे। माँ नर्मदा जी की जयंती पर यहाँ घाट पर काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की है, लगभग अधिकारियों से लगाकर कर्मचारी तक लगभग 80 का फोर्स तैनात किया है। इसके अलावा गोताखोरों का एक दल NDRF का आया हुआ है। साथ ही हमने पानी में भी बैरिकेटिंग कराई है, CCTV फुटेज से नज़र रखी जा रही है, माइक से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, अपने सामान और छोटे बच्चों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पैदल पेट्रोलिंग भी लगाई जा रही है, इस रास्ते पर भी काफ़ी जो व्यवस्था की है हमने, पार्किंग के लिए 2-व्हीलर 4-व्हीलर की अलग से पार्किंग ऊपर घाट के ऊपर ही की है। और दूसरी जगह छोटे छोटे घाटों पर भी माँ नर्मदा जी की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ पर भी हमने बल की तैनात किया है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन धरती पर माँ नर्मदा का अवतरण हुआ था। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है और अमरकंटक इन नदी का उद्गम स्थल है। साथ ही मां नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है।
खर मध्य प्रदेश के लिए बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।